पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार के एक मंत्री बम धमाके के शिकार हो गए। बम ब्लास्ट को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। धमाके में घायल मिनिस्टर जाकिर हुसैन वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सूबे के मिनिस्टर पर जानलेवा हमले के बाद जमकर सियासत हो रही है। टीएमसी और बीजेपी के लीडर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन TV9 की पड़ताल में कई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिससे मंत्री पर हमले का केस उलझ जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या ये धमाका पेट्रोल बम का था? क्या ब्लास्ट रिमोट बम से किया गया या फिर देसी बम से निमित्तता स्टेशन दहला? दिल दहलाने वाला धमाका जिसे देख कलेजा मुंह को आ जाए, जिस धमाके की गूंज सन्न कर दे। धमाके से उठी आग सहमा दे, जिस धमाके की गूंज मुर्शिदाबाद से दिल्ली तक सुनाई दी, जिस धमाके से मिनिस्टर की जान पर बनाए, उस धमाके की साजिश किसने रची, बमबास कौन है, हमलावरों का सुराग कैसे मिलेगा, कोलकाता पुलिस तफ्तीश कर रही है। एसटीएफ CID जांच में शामिल है, लेकिन निमित्तता ब्लास्ट की गुत्थी उलझती ही जा रही है। पहले धमाके की टाइमिंग, लोकेशन और टारगेट देखिए, फिर बम ब्लास्ट केस में किए जा रहे दंग करने वाले दावे जानेंगे। जगह निमित्तता रेलवे स्टेशन, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। वक्त रात करीब 10 बजे। प्लेटफॉर्म नंबर 2, बंगाल के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला पहुंचा। अपनी गाड़ी से उतरकर वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सीधे चले गए। ये उनका रूटीन था, अक्सर जाकिर हुसैन ऐसा ही करते थे। रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही पहुंचते थे। हमलावरों को जाकिर हुसैन के इस पड़ाव का पता था। दो नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे गाड़ी पार करके सीधा वो ऊपर चढ़ जाते थे, और इस बार भी वैसा ही हुआ था। ऊपर चढ़ गए थे और जैसे ही उन्होंने ये निमित्तता लिखा हुआ जो बोर्ड है, साइन बोर्ड है, वहाँ पहुँचे, उनका ठीक आगे धमाका हुआ, जो हम लोग विजुअल्स में दिखाए थे आप लोगों को कि धमाका यहाँ पे हुआ। निमित्तता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकिर हुसैन जब अपने दल बल के साथ पहुंचे तो उन्हें एक बैग दिखा। जाकिर हुसैन के समर्थकों ने बैग को जैसे ही छुआ, धमाका हो गया। धमाके में मिनिस्टर समेत 2 लोग लहूलुहान हो गए। धमाके के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 का क्या हाल हुआ, जरा देखिए। जो खून का दाग है वो आपको दिखाई, आप देख सकते हैं, और देखिए कैसे जो चप्पल थे, जूते थे, जो लोग इंजर्ड हुए थे वो वहाँ पे किस कदर पड़े हुए हैं। आपको और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, देखिए लोगों को जब यहाँ से लाया जा रहा था, आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, देखिए खून का जो धब्बा है अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो खून यहाँ पे गिरा हुआ था वो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा अच्छी तरह के दिखाने के लिए कि ये वाला जगह अभी भी पूरी तरह यहाँ पे देखिए खून से भरा हुआ है, और स्टेशन पूरा बंद करके रखा है। बम ब्लास्ट में जख्मी जाकिर हुसैन वेंटिलेटर पर हैं, तो उन पर हुए जानलेवा हमले पर जमकर सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बम धमाके को बीजेपी की साजिश बता रही हैं, तो बीजेपी नेता बम ब्लास्ट को TMC कार्यकर्ताओं का कारनामा। इनसाइड द रेलवे स्टेशन इट्स अ रियल प्रॉपर्टी, এটা ল এন্ড অর্ডার মানে স্টেটের এটা নয়। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। ইটস আ ভেরি বিগ বিগ কনস্পিরেসি। इन आरोपों और दावों से अलग जाकिर हुसैन से जुड़ी कुछ अहम बातें सामने आई, जैसे कि जाकिर हुसैन हाल ही में TMC से BJP में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के खासम खास बताए जाते हैं। जाकिर हुसैन के भी जल्द BJP ज्वाइन करने की अटकलें थी, तो क्या इसी वजह से विरोधियों ने जाकिर हुसैन पर हमला किया, या फिर जाकिर हुसैन गो तस्करों के टारगेट बने? जाकिर हुसैन ने गो तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था, उन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखकर गो तस्करों से दुश्मनी मोल ले रखी थी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन गौ तस्करी के खिलाफ थे। 2017 साल में उन्होंने एक शिकायत दर्ज किए थे रघुनाथ थाना में, जहां पे गौ तस्करी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था, लेकिन ये आवाज गौ तस्करी को कुछ ज्यादा नहीं लुभाया। इसका कारण ये है, मुर्शिदाबाद ऐसा जगह है जहाँ करोड़ों अरबों का पैसा नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार होते हैं, और इन दिनों CBI ये केस का जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि गौ तस्करी जो है
उन्होंने ये अटैक किया था जाकिर हुसैन के ऊपर। इसका कारण ये है, उन्होंने आवाज़ उठाया था और ये केस उस केस के साथ जुड़ सकता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। जाकिर हुसैन साहब कुछ दो बरस पहले वो जो कैटल स्मगलर है उन लोगों को खिलाफ आवाज़ उठाए थे और उन लोगों के साथ उनका बहुत झगड़ा भी हुआ था। हालांकि बम ब्लास्ट साजिश की पड़ताल में जुटी एजेंसियां अब तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई। आलम तो यह है कि ब्लास्ट में एक मंत्री जख्मी हुआ, लेकिन वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद मौके पर फॉरेंसिक टीम तक नहीं पहुंची। अब सवाल है, धमाका रेलवे स्टेशन पर हुआ तो क्या वहां आसपास सीसीटीवी कैमरा था? अगर कैमरा था तो कैमरे में धमाके से पहले और बाद का मंजर क्या कैद हुआ? रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में तैनात GRPF कहां थी? क्या किसी ने भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर बम प्लांट करने वालों को देखा? निमतिता रेलवे स्टेशन पर बम वाला बैग कब रखा गया? 24 घंटे बाद भी फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब मिलते ही हमलावर की गर्दन तक पुलिस के हाथ होंगे, जिसके बाद बंगाल की खूनी सियासत के सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। रवि दत्ता, मुर्शिदाबाद, TV9 भारतवर्ष। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।